What is racking? Ragging or hazing is a form of bullying and is prohibited in many countries, including India and Pakistan and Bangladesh also. It means physical and mental torture, form of seniors bullying or harassing juniors in a variety of ways, including physical, psychological and verbal abuse. Some sort of ragging is necessary, jaisa ki interaction senior or junior ke saath jo unse interaction hoti hai उसके लिए ये ज़रूरी है. लेकिन बट द प्रैक्टिस ऑफ रैगिंग इज़ हार्मफुल. कबीर सिंह की मूवी में आपने ये देखा होगा फॉर एग्जांपल के जो उनसे स्टूडेंट होते हैं बाहर एक साथ लाइन बना कर आते हैं, ठीक है, और वो नर्वस भी दिखाई देते हैं और वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं. तो ये इससे सीनियर जो उनसे होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ना ये जूनियर है. तो फिर आप जब भी यूनिवर्सिटी हैं तो आप एक तो नर्वस ना हो और दूसरा ये कि क्राउड में ना आए. आ रही है समझ? मतलब ये कि ऐसे हैं कि ना ये आपकी ही यूनिवर्सिटी, आप पहले भी आ चुके हैं इसलिए आप नर्वस दिखाई देते हैं. तो फिर जो उनसे सीनियर होते हैं आपको पहचान लेते हैं कि ये जूनियर है. तो वो चाल ढलन से पता चल जाता है कि ना ये जूनियर है. और आपने थ्री इडियट में भी देखा होगा, थ्री इडियट मूवी में भी वहाँ पर भी रैगिंग कर रहे होते हैं और वो मतलब कच्चे उतार लिए और ये मतलब ये वगैरह, उसमें भी ये रैगिंग दिखाई गई है थ्री इडियट मूवी में भी. वहाँ से तो अच्छे तरीके से दिखाया गया, आपने देखी होगी, बहुत मशहूर है ये मूवी भी. जब ये सीनियर रैगिंग करते हैं इसमें ये होता है इंक्लूडिंग फिजिकल हार्म एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस. कभी आपने रैगिंग की है लाइफ में? आपने कभी की है रैगिंग? जो यहाँ पे देख रहे हैं व्यूवर, आपने कभी रैगिंग की है? कैन ऑल्सो क्रिएट अ होस्टाइल एंड इंटिमिडेटिंग एनवायरमेंट इन द कॉलेज एंड कैन लीड टू अ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स. किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट किसी की रैगिंग करते हैं तो पहले वो इस मरहले से गुजर चुके होते हैं, तो फिर इसलिए वो स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं. आ रही है समझ? क्योंकि उन्हें अच्छा भी लगता है और इसके ये एडवांटेज है कि ना इंट्रैक्शन हो जाती है सीनियर जूनियर के साथ और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट का. हाँ, लेकिन अगर आप कर लो इन द फॉर्म ऑफ फन, लेकिन किसी को हार्म ना पहुंचाए. कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल कॉलेज टू हैव स्ट्रिक्ट पुलिसेज इन द प्लेस टू प्रिवेंट रैगिंग एंड टू टेक स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट हु इंगेज इन दिस बिहेवियर. अगर रैगिंग हो रही है कॉलेज में तो इट इज़ एक्चुअली हार्मिंग यू फिजिकली एंड मेंटली, तो प्लीज़ गो टू द प्रिंसिपल इफ इट इज़ हार्मिंग यू. अगर फ्रेंडली है तो जस्ट इंजॉय एंड फन. हाँ, बस ये है कि ना जब कोई स्टूडेंट जाता है तो उसके माइंड में यही होता है कि ना भाई रैगिंग हो गई, ये होगा वो होगा. तो भाई रैगिंग होती है, किसी यूनिवर्सिटी में होती है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती. तो मैं आपको अपना भी बताऊंगा एंड में, आपको फ्रेशर तक ही हार्म मिलेगा. आ रही है समझ? तो फिर बाद में हेक्टिक रूटीन हो जाती है, बंदा बहुत मतलब ये कि टाइम ही नहीं मिलता उसको. जब आप फ्रेश हैं तो उस वक्त ही आपको हार्म मिलेगा, लेकिन बाद में अब देखिएगा आपको ज़िंदगी हार्म देगी. मतलब ये कि स्टडी बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मस्ट वर्क टुगेदर क्रिएट अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव कॉलेज कल्चर दैट डज नॉट टॉलरेट रैगिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ बुलिंग. इन पर्सनली मेरी आज तक कभी रैगिंग नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं होता कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है, कोई पता नहीं होता हमें. पर यहाँ पर ट्रेंड भी नहीं है रैगिंग का और यूनी की तरफ से भी अलाउ नहीं होता कि आप करो रैगिंग. अगर हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल में जूनियर रहते हैं और सीनियर फ्लैट में रहते हैं, इसलिए रैगिंग नहीं हो सकती. वक्त ही वैसे बंदा डिस्टर्ब होता है, लेकिन इसके फवाइद हैं. जान पहचान हो जाती है सीनियर के साथ और कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाता है. तो ये थी मेरी वीडियो रैगिंग के मुताबिक. तो मैंने आपको ये बता दी है और अभी जाते हैं यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके आपको इसकी और डिटेल मिलेगी. वहाँ जाके मैं पूछूँगा लड़कों के साथ, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही. तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ. माशाल्लाह से यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा. और आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी अपनी क्लास के लिए. मेरी हैं दो क्लासेस हैं, चिल्ड्रन डिजीज़ है और एक और सब्जेक्ट है. अभी चलता हूँ, वही देता हूँ. और यहाँ पे
टेम्परेचर हो रहा है 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है। और टाइम यहाँ पे हो रहा है 12:30 बजे का टाइम है, 1 बजे क्लास है, तो फिर मैंने जाना है 1 बजे, तो लेट्स गो। यस, आज रश भी ज़्यादा लग रहा है, 12:00 बजे के बाद ना इधर हो जाता है रश बहुत ज़्यादा। देखिए कितने बंदे हैं यार, कितने न्यू नोट हैं, दिल भी नहीं कर रही है देने को, मशरूफ के को देने पड़ेंगे। तो मशरूफ का भी हो चुका है, बस भी आ चुका है, मैं बस में जा रहा हूँ। आप जब यहाँ पे अब्रॉड आए थे तो आपके यहाँ पे रैगिंग हुई थी? नहीं यार, बेसिकली यहाँ पे है कि रैगिंग नहीं होती, रैगिंग नहीं होती, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको कोई जानता हो तो। मैं भी हूँ आपके साथ पढ़ा हुआ। इसकी वजह क्या है पाकिस्तान और इंडिया में रैगिंग होती है? रैगिंग अगर देखा जाए पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर तो वो बेहतर है, आप किसी बंदे को जाके थोड़ा बहुत वो करते हो, इंट्रक्शन होती है तो जाके जूनियर सीनियर की इंट्रक्शन होती है जी बेसिकली। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो बाद बच्चे आते हैं वो फिर बात ही नहीं कर सकते, तो इंट्रक्शन हो जाते तो वो गुल मिल जाने से कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ जी हाँ चलो, तो इसकी मेन वजह क्या है कि ना यहाँ पे रैगिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि ना नहीं चलता, पता नहीं चलता कौन सा जूनियर है कौन सा सीनियर है, सीनियर है यहाँ पे, इसलिए पता नहीं चलता यहाँ पे, इसलिए रैगिंग नहीं होती। तो ये प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है आपके लिहाज से? अगर पाकिस्तान में जिस तरह रैगिंग होती है फिर उस तरह हो फिजिकली और मेंटली वो टॉर्चर नहीं है, वो तो नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत हाँ ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँ कि इतना सा नेगेटिव पॉइंट है कॉन्फिडेंस के लिहाज से, लेकिन हमारे यहाँ मैंने आज तक किसी लड़के की रैगिंग नहीं की। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया था ना मैं बहुत डर रहा था कि ना रैगिंग होगी ये सीन होगा। आपका आपका सीन था ऐसे? नहीं नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन नहीं था, लेकिन हुआ नहीं तो वो हुआ नहीं, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन ये जब स्टूडेंट आता है तो उसके माइंड सेट में ये होता है कि ना रैगिंग होगी, रैगिंग होगी जैसे पाकिस्तान में होता है गद्दार। हाँ तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिहाज से? मेरे लिहाज से थोड़ा सा वो नेगेटिविटी होती है इसमें, मतलब थोड़ा होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन आपको पता है जब पाकिस्तानी होते हुआ तो पॉजिटिविटी जानते ही नहीं है। सॉरी टू से चलो सही है जी सर। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी जी फरमाएं। आपका यहाँ अब्रॉड में किसी ने रैगिंग की है? आज तक नहीं हुई। तो ब्लैकमेलिंग हुई है, रैगिंग नहीं हुई? ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग होती है यहाँ पे, होती है। रैगिंग नहीं होती। तो किस लिहाज से ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है रैगिंग? ये तो टू वेज में सोचा जा सकता है। कौन सी वेज? पॉजिटिव भी है नेगेटिव। रैगिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूर करना, ठीक है। रैगिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हो ना कि आपको एक बोलने का पता चल जाता है कि जब आप स्टेज पे जाते हो या किसी के सामने बोलते हो कॉन्फिडेंस पैदा होता है अपने, ठीक है। अगर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी बात सुनो, एक बंदे को प्रिपेयर करना होता है उसमें, ठीक है। ये रैगिंग जब करते हैं ना, ठीक है, बंदे को पता चलता है कि हाँ मेरे पास ऐसी सिचुएशन भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, उसमें खुद को स्टेबल कैसे करना है, इंसान को ये पता चलता है। मेन जो चीज़ है स्टेबल करना, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है ये है, ठीक है। तो एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, लेकिन रैगिंग की, लेकिन लिमिटेशन से जो सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे जाना ना, मतलब कि एक लिमिट से क्रॉस करना, वो नेगेटिव पहले में चला जाएगी। आपने देखा होगा 3 इडियट्स में रैगिंग करते हैं, वो लाग लेते हैं, और उसमें कबीर सिंह में भी आपने देखा होगा मूवी में जब वो लाइन बना के आ रहे होते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये जूनियर है जूनियर या सीनियर है? सीनियर को कैसे पता चलता है कि ये जूनियर है स्टूडेंट? ओके,
पता चल जाता है कि बाई फेस अपीयरेंस आपका पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे कौन सा एंट्रेंस में ठीक है, कि आपके अपीयरेंस से पता चल जाता है ना, उसको आइडिया होता है यूनि में आपको सीनियर है मोस्ट सीनियर है ठीक है, तो ऐसे ही है ना ठीक है पता चल जाता है। लेकिन अब्रॉड में यहाँ पे नहीं होती रैगिंग, आपसे आपकी हुई है? हाँ अब मेरी तो हुई रैगिंग। ओके हुई है? हाँ रैगिंग हुई है। कैसे हुई है? हम आ रहे थे तो इधर से स्टूडेंट हमारे से एक सेम आगे था उनका ठीक है, उनका बैच फाइव इनटेक था, एक सेम आगे थे, उन क्लासमेट ही था, उनको सीनियर उसको सीनियर लड़का बना लिया उन्होंने। तो हम आए तो रूम में स्पेस नहीं था, ये आईएमबी के ऊपर हॉस्टल था इधर ही, तो स्पेस नहीं थी, हम उनके साथ एडजस्ट कर लिया उन्होंने। तो हम आए तो लेट गए रात को, क्या उन्होंने लड़का आया बाहर से, तो हमें कहते हैं कोई भी सीनियर आए तो खड़े होते हैं रिस्पेक्ट में, तो कोई भी सीनियर आए तो रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा ये लड़का था इसने हमारी रैगिंग भी मतलब ये सीनियर है हमसे तो हम भी खड़े होते हैं, उनका क्लासमेट था वो ठीक है, वो नेक्स्ट जब भी आता तो हम खड़े हो जाते उसके रिस्पेक्ट में, तो कोई सीन है ठीक है वो भी खड़े होते थे हमारे साथ। हाँ अगर नहीं अगर जो सीन है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उन्होंने अच्छा रात को आ गए हैं तो दोस्त भी थे तो हमें कहते ठीक है खड़े कर लिए। प्रेजेंट सर। अच्छा हमें खड़े कर लिए, तो उसके जो बाद जो उन्होंने लफ्ज़ बोले थे ना वो थोड़े से ऑकवर्ड थे ठीक है, लेकिन बाद में जो उन्होंने जो पॉजिटिव थिंग मुझे मिली ना जो हम रैगिंग होगी बाद में उन्होंने जो लफ्ज़ बोले थे ना वो मुझे अभी भी याद है ठीक है, और मेरे बड़ा हेल्पफुल अभी तक मेरे हेल्पफुल। उन्होंने बोले थे कि ये रैगिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने आपको मजरूर किया है, कहता है ये रैगिंग इसलिए किया कि ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो नहीं बोल सकते ठीक है, स्टेज पर जाकर नहीं बोल सकते ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो है, कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए हमने ये किया है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my. तो भाई ये मछलियाँ कितनी छोटी छोटी हैं, लेकिन मैंने सेव लेने हैं मछली नहीं। ये देखिए ये सुनो है सारी पड़ी है यहाँ, आई थिंक मैं पहला हूँ जो उठा रहा हूँ ये ठंडी ठंडी, ये सारी बर्फ है और अगली साइड भी दिखाता हूँ, और ये है दूसरी साइड, ये कितनी स्नो पड़ी है भाई, और इस मौसम में सिर्फ हो रही है, और इस मौसम में क्लास लेने जाए यार बुखार है तबीयत खराब है, चार क्लासेस है छोड़ दी मैंने गया चलो। तो भाई अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया मगरिब की, तो अभी मैं बना रहा हूँ ये चिकन बना रहा हूँ, यहाँ पे बोनलेस ऐसे होता है चिकन, अब इसे काटूँगा और ये चिकन का सालन बना रहा हूँ ओके।